और सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बताएं हिमाचल प्रदेश के सोलन से, जहां एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग लग गई। आग का तांडव इतना जबरदस्त था कि यहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। ये परफ्यूम फैक्ट्री थी जिसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ इस फैक्ट्री में फैलती हुई चली गई। जान बचाने के लिए कई जगह मजदूर छत से कूदते हुए नजर आए। आग के चलते अब तक 32 लोग बताया जा रहा घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत भी हो गई है। 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। आग लगने के बाद परफ्यूम की फैक्ट्री में जबरदस्त अफरा तफरी मची और जान बचाने के लिए कई मजदूर कूदते हुए छत से नजर आए। हिमाचल के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग लगने से अब तक 32 लोगों के घायल होने और एक कर्मचारी की मौत की खबर है। 25 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और दमकल की 60 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग का धुआं इतना ज्यादा है कि एनडीआरएफ की टीम को फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक आग लगते ही कुछ मजदूर जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत से कूद गए, जिसके चलते मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लापता लोगों की तलाश में पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ टीमें जुटी हैं।